माँ, आई एम गोइंग आउट, एक दोस्त से मिलने जाना था। तो तुम इसलिए फरार होना चाहती हो ताकि तुम उन लोगों से ना मिल सको जो तुम्हें देखने आ रहे हैं आज शाम को। फिक्र मत करो, आराम से जा सकती हो। आज किसी काम की वजह से मिसेस शमशाद नहीं आ पाएंगी, लेकिन मैंने उनके बेटे की तस्वीरें मंगवा ली हैं, तुम चाहो तो देख लो। खूब समझ रही हूँ मैं आपकी जान। आप मेरी दूसरी शादी करवा कर मुझे यहाँ से रवाना करना चाहती हैं ताकि अपने खुदसर और घमंडे बेटे को एक बार फिर मनमानी करने की आज़ादी दे सके। मैं तुम्हारा भला सोच रही हूँ बेवकूफ लड़की, तुम क्या समझती हो? यूं तलाक का दाग लगाकर तुम इस मुआशरे में बहुत फखर से रह सकती हो? जानती हो औरतों के लिए कितनी मुश्किल पेश आती है? ये सब बातें पुरानी हो गई माँ, ना तो आज बेवा होने में कोई धब्बा है और ना ही तलाक याफ्ता होने। Excuse me. One cappuccino, please. हाँ उस्मान, मैं पहुंच गई हूँ। What? तुम नहीं आ रही हो? Go to hell. मैं अकेली ही कॉफी पी लूंगी। One cappuccino, please. Excuse me. How dare you to touch me? मैं आपको नहीं मैडम, अपनी कॉफी को टच कर रहा हूँ। ना जाने बीच में आप कहाँ से आ गई? मैं बीच में आ गई। ये कॉफी मैंने ऑर्डर की है, ये कॉफी मेरी है। यू गेट ऑफ। ओ हेलो, ये कॉफी मैंने पहले ऑर्डर की थी इसलिए ये कॉफी मेरी हुई, सो यू गेट ऑफ। तुम कितने बदतमीज इंसान हो, तुम्हें तमीज नहीं लड़कियों से बात करने की? लो क्लास। एक्सक्यूज मी, आप कॉफी है? थैंक यू। ओ हेलो हाई क्लास लेडी, सॉरी तो बोल दे। क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है एक हाई क्लास गाड़ी के टायर की हवा कौन निकालता है? What? एक लो क्लास कील। ऑल द बेस्ट मैडम। मेरी बात सुनो। इडियट। ए दिल बता, यूं हो गई क्यों अजनबी? मेरी हर खुशी क्यों आंखों से बहने लगी? अब हर घड़ी ये बेबसी जिंदगी। अपने
बेटा ठीक से खाना तो खा लो। वो कहाँ लगती है? ये सब तो बस इसलिए कि जिंदा रह सकूं। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? बोर्ड ऑफ मेंबर्स रोज पूछते हैं तुम्हारा, रोज बहाने बना बना के मैं थक गई। इंतजार साहब से बात हुई थी, मैं इंकार कर दिया। ये क्या किया तुमने? मुझ पे और प्रेशर मत डाले मां, इस दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं बचा, पर जो कुछ था वो मुझसे छीन लिया गया। ना कोई ख्वाहिश है और ना ही कोई आरज़ू। अब मेरी वजह से तो वैसे भी आपको और माहम को बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी। तुम्हारी और माहम की इस लड़ाई में नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, इसमें ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है ना उसको। अब मुझसे उम्मीद लगाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा मामा, बल्कि जो कुछ रह गया है ना शायद वो भी बाकी ना बचे। तो सबा ने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, जिंदा थी तो मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और मरने के बाद भी उसे अपने फराइज नहीं पूरे करने दे रही वो, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन इरशाद साहब उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, उसे ये भी याद नहीं कि उसने किसको बेची, कहाँ बेची, ना नाम ना पता, कुछ भी नहीं। अरे जनाब, मैंने आपको पहले कहा था कि आप मत जाएं। पुलिस ने जाके दो लगाने थे ना, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी हथेली पे फर करके रख देता। खैर आप टेंशन ना लें, मैं खुद जाके बयान लूँगा और तमाम अबाव अजदाद याद करवाऊँगा उसको। उसकी ज़रूरत नहीं है इरशाद साहब, वो शख्स उम्र में काफ़ी ज़्यादा है और उसकी याददाश्त भी वीक है। अब अगर आप जाएंगे तो वक्त ही ज़ाया करेंगे। तो फिर आप ही बताएं क्या करें इस केस का। ये तो आप मुझे बताएंगे ना इरशाद साहब के क्या करना है। मतलब इसके अलावा क्लू नहीं है और। साहब मुझे मिलना जाना। साहब 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 तुम्हें मौला गवाहता है, मेरी बच्ची मेरे को दे दो। क्या तमाचा ये, कौन है ये लोग? सर यही तो पूछ रहा हूँ, कुछ बता ही नहीं रहे, आधे घंटे से शोर मचा रहे हैं, साहब से मिलना है, साहब से मिलना है। ओए बताना आप क्या मसला है। सलीम आराम से, आप बताओ क्या मसला है। इंस्पेक्टर साहब मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। अब बोलो। साहब मैं कयूम, ये मेरी घरवाली नसरीन, हमारी 2 महीने की बच्ची गुम हो गई है साहब, उसी के सिलसिले में आए हैं आपके पास साहब। क्या उम्र है बच्ची की, पूरी बात बताओ। साहब आज से 2 महीना पहले मेरे को बच्ची पैदा हुई थी, ये मेरा मर्द नशा ही है, ये सब उस वक्त लड़के मेरे से अस्पताल से मेरी 1 दिन की बच्ची को लेके भाग गया था। हाँ साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं कुत्ता कभी ना। हेलो तमाशे मत करो, ये पूरी बात बताओ, कौन से हॉस्पिटल में बच्ची हुई थी, तुम कहाँ लेकर चले गए थे? साहब वो हमारी आबादी में एक अस्पताल है छोटा सा, उधर लेके गए थे, वहाँ हुई थी। हम दोनों में किसी बात पे झगड़ा हो गया साहब और मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। ये इसने सब कुछ जो भी कुछ किया वो पैसे के लिए किया, ये नशा करता है, इसने नशे के चक्कर में मेरी बच्ची को ले जाके बेच दिया साहब। तुम्हें मौला गवाहता, मेरी बच्ची मेरे को दे दो। बच्ची को दे दो साहब, वो बच्ची मेरी है। बाबा क्या आप सच कह रहे हैं? बेटा रूहान ने यही बताया है, ये वहां मौजूद था। हाँ रूमी, वो लोग मेरे सामने ही पुलिस स्टेशन आए थे और उनकी बातों से लग रहा था कि वो सच कह रहे हैं। बेटा अगर ये वाकई सच है ना तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। बस यूं समझो कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है, तुम्हारी मेहनत और दुआएं रंग ले आई हैं। लेकिन बाबा मैं कैसे यकीन कर लूं, वो लोग भी तो फ्रॉड हो सकते हैं और पहले भी ऐसा हो चुका है। जानता हूँ बेटा, मगर एक बार बच्ची को लेकर उनसे मिल तो लो, इरशाद उन्हें लेकर यहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो असली माँ बाप हो।
नायला आंटी, नायला आंटी, जल्दी से बाहर लाउंज में आइए। क्या हो गया? वो बच्ची के असली माँ बाप आए हैं, पुलिस को साथ लेकर आए हैं बच्ची को लेने के लिए। चलो ये तो अच्छा हो गया। चलिए भी ना। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अम्मी को ये लाइव रिपोर्ट दे दूँ। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, आपको यकीन नहीं आता, खुद ही सुन लीजिएगा। सुनिए बीबी जी, कसम है मौला की, मैं झूठ नहीं कह रही, ये बच्ची मेरी ही है। वो तो मेरा मर्द अस्पताल से पैसों की वजह से इसको लेके चला गया था। हाँ बीबी जी, नशे की आदत है ना, इसलिए गलती हुई है, और इस गलती करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैडम, इन जैसे लोगों का कोई काम धंधा तो होता नहीं है, इनकी बीवियाँ ही मेहनत करके घर चलाती हैं। इसकी बीवी ने नशे के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था, तो उसको डराने के लिए वो बच्ची लेकर भाग गया। पार्क में क्यों छोड़ के गए थे इसे? कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है क्या? वो जी बाप हूँ ना, बच्ची रो रही थी, मैं पानी लेने गया था उसके लिए। लेकिन मैं उस दिन पार्क में 2-3 घंटे तक इंतजार करती रही, मगर कोई भी नहीं आया। और अगर पानी लेने के लिए गए भी थे तो वापस क्यों नहीं आए? वो बीवी जी, मैं पानी लेके आ ही रहा था तो पीछे से गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, और आंख खुली तो अस्पताल में था, और ऊपर से इसके बाप ने और भाई ने ये इल्जाम लगा दिया मुझ पे कि मैंने बच्ची को बेच दिया है। ये सच कह रहा है बीबी जी, मेरे बाप भाई ने इसको बड़ा मारा है। मगर ये साबित करने के लिए ये अगले दिन पार्क पहुंचा, मगर जब तक आप बच्ची लेकर यहाँ पहुंच चुकी थी। वही दिन मेरी जिंदगी का बर्बादी का दिन था। ये मेरी बीवी और इसके घर वाले मुझे रोज मारते थे, मैंने इन्हें कहा मेरे पास बच्ची नहीं है, और ये कहते थे कि मैंने पैसों के लिए अपनी बच्ची बेच दी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी घरवाली से पूछ ले। बीबी जी, मेरा मर्द दुनिया का हर बुरा काम कर सकता है, पर अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? वो जी, मैं डर गया था, थाने जाता पुलिस वाले मुझे ही धर लेते। वो तो भला हो कि बीबी की किसी ने वीडियो दिखाई और मैं समझ गया ये बच्ची मेरी है, इन बीबी के पास। हाँ बीबी, यही मेरी औलाद है, तुम्हें मौला का वास्ता है, मेरी बच्ची मेरे को दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा अस्पताल में पैदा हुई थी? कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत तो होगा ना आपके पास? जी बीबी जी, इंस्पेक्टर साहब, यहीं पास में एक बस्ती है, वहीं एक छोटा सा अस्पताल है, ये बच्ची वहीं पैदा हुई थी, ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट है। बीबी, मेरा यकीन करो कि बच्ची मेरी है, मैं तड़प रही हूँ उसको 2 महीने से अपने सीने से लगाने के लिए, तुम्हें मौला का वास्ता है, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। आपको क्या लगता है शाह साहब, क्या ये सच कह रहे हैं? वैसे मैंने तमाम इनका रिकॉर्ड चेक कर लिया है और घर जाके पूछगिछ भी कर लिया है। I think it's clear. बस तो फिर ठीक है, अब इंतजार किस बात का है रूमी? क्या सोच रही हो, बच्ची हवाले करो माँ बाप के भाई। रूमी, मुझे लगता है यही इस बच्ची के असल माँ बाप। साहब, ये मेरी बच्ची मुझे वापस क्यों नहीं देते? बीबी, तुम्हें मौला का वास्ता, मेरी बच्ची मुझे दे दो वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे दे दो मेरी बच्ची। वैसे मैं गार्ड को अपना फोन नंबर और एड्रेस देकर आई थी, और बच्ची मिलने के कई दिन बाद मैं गार्ड से पूछती रही, लेकिन गार्ड के मुताबिक कोई भी नहीं आया बच्ची का पूछने के लिए। आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा अगर ऐसी बात थी तो? वारुमी जी, आपको तो पुलिस में होना चाहिए, ये अगले दिन पाक गया था, मैं इसका हाल और हुलिया तो देखें आप, इसको गार्ड्स ने घुसने ही नहीं दिया। अगर आप नहीं जानती ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होता है। मुझे इन लोगों पर यकीन नहीं है, और ना ही मैं इस बच्ची को इन लोगों के हवाले कर सकती हूँ। सुना आपने, इस बार तो वाकई असली माँ बाप आ गए हैं। हाँ सुंदर, अच्छा ही हुआ कि बिन माँ बाप की बच्ची को उसका असल ठिकाना मिल गया। मगर इस रूमी की हर धर्मी को दुख, बच्ची को देने से इनकार कर रही है। अम्मी,
अब वो जो चाहे कर ले, लेकिन उसकी हर धर्मी अब कोई नहीं मानने वाला। भाई बच्ची तो अब उसको देनी ही पड़ेगी। अरे मेरी तरफ से रूमी जाए भाड़ में, मुझे तो कामिल की फिक्र हो रही है। उससे तुम ये सारी बात हरगिज मत बताना। मगर वो क्यों अम्मी? अरे अगर उससे मालूम हो गया कि रूमी की बच्ची से जान छूट गई है तो फिर शादी का रोना डाल देगा। पहले ही इस बात को लेकर उनसे नाराज है। अच्छा अम्मी आप बेफिक्र रहे, मैं कामिल को हरगिज भी इस बात की खबर नहीं होने दूंगी। अच्छा चलिए फोन बंद करें, मैं जरा अंदर जाकर देखूं हो क्या रहा है, फिर मैं आपको अपडेट दूंगी। हाँ जरूर बताना, मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। ठीक है खुदा हाफिज़। कमबख्त कैसे कैसे तमाशे लगाए हुए, बच्ची को देने से क्यों इनकार कर रही है? बढ़िया ही खुदाई फौजदार। पागलपन मत करो रूमी, अब तो ये साबित हो चुका है ना कि वही इसके माँ बाप है, बस बच्ची उनके हवाले करो। क्यों जिद लगा रखी है तुमने? वो इसके माँ बाप है, बच्ची उनको दे दो और खत्म करो सब कुछ, बस बहुत हो चुका है तमाशा। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, माना तुमने 2 महीने से पाला, इसकी परवरिश की, लेकिन अब इसे जन्म देने वाली माँ आ चुकी है, इस पर तुम्हारा नहीं उसका हक है। यह हक है उनका कि इसे इस तरह लवारिस छोड़ के चले गए। इसे मैंने संभाला, सबके ताने सुनने गुस्से बातें सब कुछ सुनी है मैंने, और अब आप लोग कह रहे हैं कि मैं इसे ऐसे लोगों के हवाले कर दूं जो चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। नहीं, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है और मैं इसे ऐसे किसी को नहीं दूंगी। जिंदगी की यही हकीकत है रूमी, खुदा कभी देकर आजमाता है और कभी छीन कर। इंसान की तो बस इतनी ही बिसात है कि वो चाहे या ना चाहे एक न एक दिन उसे अपनों से बिछड़ना ही पड़ता। देखो मैं जानता हूँ तुमने इस बच्ची के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन रूमी अब इसकी ज़िंदगी में तुम्हारा किरदार ख़त्म हो चुका है। और कुछ नहीं तो इसके माँ बाप के बारे में ही सोच लो। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि तुमने तो इसे 2 महीने पाला है ना, तुम इतनी दुखी हो रही हो तो उस माँ का क्या होगा जिसने 9 महीने इसे पेट में पाला है। उठो बेटा, ये रोते हुए तुम्हारे पास आई थी, तुम इसे हंसते हुए विदा करो। उठो शाबाश। चुप हो जा, तुझे बोल रहा हूं ना। साहब बीबी को बोले ना हमारी बच्ची हमें दे दे, इसकी हालत तो देखो। अगर मेरी बच्ची मुझे नहीं दी ना तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। ये बेवकूफी की बातें मत करो तुम लोग, ये आग लगाने रोने धोने से क्या होगा? आराम से बैठो, तुम्हारी औलाद है तुम्हें मिल जाएगी।
अल्लाह आप सबका भला करे बाबा। थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज। मैं उस एक्सीडेंट वाले केस की बात कर रही हूँ, आप फौरन उसकी तहकीकात बंद करवा दें। लेकिन मैडम रोहान साहब तो तफ्तीश जारी रखना चाहते हैं। आपने अभी तक तहकीकात की क्या है? सारी तहकीकात तो मेरा बेटा कर रहा है, आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ना उसे घर की फिक्र है और ना ही बिजनेस की। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बहू और पोती के बाद अपने इकलौते बेटे को भी गवा दूं? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। तो फिर फौरन ये केस बंद करते हैं, और अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद आईजी साहब से बात कर लूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, इस छोटे से काम के लिए आप आईजी साहब को क्या परेशान करेंगी। मैं समझ गया आपकी बात, मैं फौरन इस केस की फाइल बंद करवाता हूँ। आपसे यही उम्मीद है मुझे। रूमी आओ खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का पुलाव बनाया मैंने आज। ऐसे क्या देख रही हो? आओ खाना खा लो ना बेटा, ऐसे तो रो रो के तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है, मैं भी खाती हूँ तुम्हारे साथ। आज शाबाश, आज मेरी जान। मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगी। अब तो आप खुश हैं? नहीं बेटा, खुश तो मैं तब होंगी जब एक बार फिर तुम्हारा रिश्ता कामिल के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि अब तो वो वजह भी नहीं रही जिसकी वजह से इस रिश्ते में दरार आई थी। मगर मेरा फैसला भी वही है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। Finally, आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। सर आप? हेलो रूमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ये मेरे कोच है नवेद सर, सर ये मेरे बाबा। बहुत तारीफें सुनी हैं रूमी से आपकी, नाइस टू मीट यू। गायबाना तारुफ तो आपका भी काफ़ी हो चुका है। और सर ये मेरी अम्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। अच्छा तो आप हैं रूमी को क्रिकेट सिखाने वाले? अरे नहीं जी, हमारी क्या मजाल, रूमी तो एक नेचुरल प्लेयर है, इसे सीखने की नहीं सिर्फ खेलने की ज़रूरत है। आप वैसे माफ़ कीजिएगा, मैं बिना बताए
बेवक्ती चला आया, सो सॉरी। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, अरे बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं, तशरीफ रखें। बाबा मैं चाय का क्या कह रहा था भाई, मैं भूल गया। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ, प्लीज। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक दफा फोन पर रूमी ने बात भी करवाई थी आपसे। जी बिल्कुल सर, आपको याद है हमने इस्लामाबाद 11 के खिलाफ जो फाइनल मैच जीता था उसके बाद आपकी बात कराई थी ना बाबा से। अरे हाँ बिल्कुल याद है, भला वो तुम्हारी धुआंधार सेंचुरी कौन भूल सकता है। ये तो बस इंजरी की वजह से तुम्हें वापस आना पड़ा, वरना अब तक नेशनल कैप मिल चुकी होती। असद अब ये क्या नया ड्रामा है? अरे भाई मैं तो खुद पहली बार आज उनसे मिला हूँ, मुझे क्या पता, वो बाहर घर ढूंढ रहे थे हमारा तो उन्हें लेकर अंदर आ गया। रूमी से मिलने आए हैं वो की कोई बात? मैं सब समझ रही, पहले उस लावारिस बच्ची का बवाल था, बमुश्किल वो उतरा, अब क्रिकेट का तमाशा शुरू कर दिया। अरे यार तुम हर बात में इतना नेगेटिव क्यों सोचने लग जाती हो? अरे रोमी के कोच रह चुके हैं, आए उनसे मिलने, मिलकर चले जाएंगे, अब इसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? मैंने कब इशू बनाया है, तो सिर्फ बात ही की है। देखो बेहतर होगा कि तुम कोई बात नहीं करो तो अच्छा है। चलो जाओ, जाके कोई चाय वाय का इंतजाम करो उनके लिए प्लीज। हाँ हाँ, इस सारे घर में काम की मटकी मेरे ही सर पर फूटनी होती है, कोई अच्छा सा मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते? बस किस्मत के खेल हैं। रूमी जैसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर को किस्मत की नहीं मौके की तलाश होती है रहमान साहब। सर मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि तुम्हें अपना क्रिकेट करियर दोबारा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की विमेन क्रिकेट को तुम्हारे जैसे प्लेयर की सख्त ज़रूरत है। रूमी का खेल तमाम अंडर 23 की लड़कियों से कई दर्जे बेहतर है, शाजिया भी तो परफॉर्म कर रही है, जब वो लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती है तो रूमी विमेन क्रिकेट के लिए जो कर सकती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगले हफ्ते लाहौर में ट्रायल्स हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करके मुझे पूरा भरोसा है कि रूमी कामयाब हो सकती है। लेकिन इसने तो पिछले 2 महीने से बैट को हाथ तक नहीं लगाया। वो सब आप मुझ पे छोड़ दें, एक हफ्ते की प्रैक्टिस चाहिए। क्यों रूमी? नवेद सर मेरे लिए यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती। तुम खेल सकती हो, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, लेकिन सवाल ये है कि तुम अगर खेलना चाहती हो कि नहीं। रहमान आप जरा आए ना मेरी बात सुनो। नायला तुम्हें इस तरह नहीं उठाना चाहिए था मुझे। सच सच बताया रहमान, आपने तो नहीं बुलाया इस कोच को या फिर रूमी ने? ओहो तुम हम पर शक कर रही भाई, मैंने नहीं बुलाया उसे और ना ही रूमी की बातों से लगता है कि उसने बुलाया होगा, वो खुद चलकर यहाँ आया है। अरे मैं तो खुद रूमी और कामिल का रिश्ता जोड़ना चाहता था। और अब? अब लगता है कि खुदा ने रूमी के बारे में कुछ और ही सोच रखा है, जिन अजाबों से वो गुजरी है अब उसके लिए यही बेहतर है, लेकिन वो जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। सर आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही ना हो। क्या आपके केस की फाइल बंद करवा दी गई है? व्हाट? क्यों? कैसे इरशाद साहब, तफ्तीश कैसे बंद हो सकती है? मुजरिम बाहर आजाद घूम रहा है, उसके जुर्म की सजा उसे मिली नहीं और आपने केस बंद कर दिया? कमाल बात कर रहे हैं आप, हम अपनी मर्जी से कैसे फाइल बंद कर सकते हैं, हमारी इतनी मजाल है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इरशाद साहब, की तफ्तीश बंद कैसे हो सकती है? आप मुझे ठीक ठीक बता दीजिए इरशाद साहब के बात क्या है, वरना एसएचओ साहब से मैं खुद बात करूंगा। अरे अरे ठंडे दिमाग से आप मेरी बात तो सुन ले पहले, मुझे लगता है कि आपसे पूछे बगैर ये फाइल बंद करवा दी गई है। किसके कहने पर? आपकी वालदा मोहतरमा के कहने पर। मेरी तो चाय भी अब खत्म हो गई है और तुम अभी तक सोच में गुम हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते रूमी। हाँ रोमी, नवेद से खुद चलकर ये मौका देने आए, तुम्हें
अपना अधूरा ख्वाब पूरा नहीं करना क्या? हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं है बेटा। अच्छा ठीक कह रहा है, तुम्हें अपना अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहिए। तुम एक काम करो, आज रात सोच लो, फिर जो भी फैसला हो मुझे फोन पे बता देना। रहमान साहब अब इजाजत चाहूंगा। अरे नहीं नहीं नवी साहब, खाना खाए बगैर नहीं आप जा सकते। इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, खाना फिर सही। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। सर थैंक यू, टेक केयर। आइए। क्या वाकई रूमी ने बच्ची वापस दे दी? बच्चे के माँ बाप मिल गए, वो अपने घर चली गई है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ भाई? मैंने खुद सुदेश बाजी और अम्मा को सुना था ये सब बातें करते हुए। अरे वाह भाई, ये तो मौजा हो गया भाई, जल्दी से शुक्राने के नफल अदा कर दे। अब आपको और भाभी को अलग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक कह रहे हो अंजू, हम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी परेशानी उतर गई है मेरे सर से। थैंक गॉड कोई तो अच्छी खबर मिली। वैसे भाई अगर आपको ये न्यूज कंफर्म करनी है तो आप रूमी भाभी से खुद कॉल करके पूछ लें। नहीं कर सकता, मैं फोन करता हूँ मेरी कॉल नहीं रिसीव करती। ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है, आकर खाना खा लो। हाँ भाई वो अपनी नाराजगी दूर कर दें और प्लीज खाना खा लें। जल्दी आओ ठंडा हो जाएगा। क्या पकाया मामा? मुझे लगता है कि आपसे पूछे बगैर ही फाइल बंद करवा दी गई। किसके कहने पर? आपकी वालदा मोहतरमा के कहने पर। अब तो तुमको यकीन आ गया होगा ना कि मामा किस तरह अपने मफाद के लिए अपनी औलाद का इस्तेमाल कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रही है रोहान, सिर्फ अपने लिए। उनके लिए औलाद एक कठपुतली की तरह है जिसे नचाकर वो खुद को तस्कीन पहुंचाना चाहती है। आप मुझे वो क्यों नहीं बताती जो मुझे नहीं पता? तुम्हें नहीं लगता कि एन उस दिन जिस दिन तुम दोनों ने अमेरिका जाना था, तुम दोनों का एक्सीडेंट होना एक सोची समझी साजिश थी? What? आप कहना क्या चाहती? मेरा ख्याल है इतने ज़हीन तो तुम हो कि मेरी बात का मतलब समझ सको। मेरा एक्सीडेंट? मामा आप झूठ कह रहे हैं। तो फिर खुद सोचो इस केस की इन्वेस्टिगेशन से वो इतना घबरा क्यों रही है? वो इस केस को क्यों बंद करवाना चाहती हैं? आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद है? क्या सोच रही हो बेटा? ये कि मेरी किस्मत भी कितनी अजीब है, क्रिकेट से नाकाम होकर वापस आई तो वो मासूम बच्ची मिल गई, और अब जब वो इस घर में नहीं है तो क्रिकेट दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि नन्ही परी आखिर मेरी जिंदगी में आई है क्यों? ये सब खुदा की करनी है बेटा, उसके काम निराले हैं। इस तरह वो इंसान को उसका मकसद याद दिलाता रहता है। अब देखो तुमने उस मासूम बच्ची की खातिर
कितनी मुश्किलें उठाई, सबसे लड़कर उसे उसके घर तक पहुंचाया। उस नेकी का अजर तो तुम्हें मिलना था ना, बस यूं समझो उस मासूम की दुआएं काम आ गई है। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं रूमी, अब सोचने में वक्त जाया मत करो बेटा, फैसला कर लो जाने का। अम्मी ये आप कह रही हैं? ये मैं कह रही हूं, शायद कुदरत ने तुम्हारी तकदीर में यही सब कुछ लिखा है बेटा, फिर मैं कौन होती हूँ इसे बदलने वाली। अपने कोच को फोन करो, उसे बताओ कि तुम आ रही हो। नाइला बेगम, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा।